अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं। आज हम आए हुए हैं गुलगश्त में, और गुलगश्त में बना हुआ है शरीफ कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे लगा हुआ था फैमिली गाला। तो चलते हैं फैमिली गाला देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शरीफ कॉम्प्लेक्स में क्या क्या ब्रांड्स ओपन है वो देखते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया। तो हम लोग देखते हैं कैसी डेकोरेशन की हुई है, और क्या क्या आउटलेट्स बन चुकी हैं, और क्या क्या आउटलेट्स अभी बनने वाली हैं। तो चलते हैं फैमिली गाला को देखते हैं। अगर आप मुल्तान में रहते हैं तो गुलगश्त कॉलोनी में ये शरीफ कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे लगा हुआ था फैमिली गाला, जो कि सिर्फ फैमिलीज़ के लिए अलाउड था, और म्यूज़िकल शो था, मैजिक शो था, इसके अलावा मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स भी थे। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे जो जो यहाँ पे आउटलेट्स हैं, सबसे पहले बाहर वो मेंशन की हुई हैं। आपको मेकअप सिटी की आउटलेट भी मुल्तान में अगर चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा सैमसंग की आउटलेट है, और काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स यहाँ पर आई हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका ग्राउंड फ्लोर की तमाम विज़िट करवाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आउटलेट्स ओपन हुई हैं। तो सबसे पहले आपको शॉप मिलेगी मेकअप सिटी की, उसके बाद एक कपड़ों की ब्रांड है जिसका नाम है द इफ़ी। उसके साथ ही आपको सैमसंग का स्टोर मिलेगा, जो कि आपको पहले चिनवन में मिलता था, लेकिन अब आपको गुलगश्त में भी मिलेगा, और काफ़ी बड़ा स्टोर है। आपको यहाँ से सैमसंग की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ये मॉल जो है बन रहा है, और यहाँ पे कई नई आउटलेट्स बनेंगी। इसके अलावा सईद गनी की आउटलेट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप गुलगश्त एरिया में रहते हैं तो आप लोग यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। ये ब्रांड रोड पर बना हुआ है, और गुलगश्त में काफ़ी लोग जानते होंगे कि ये मॉल जो है अभी बन रहा है। तो हम लोग असल में आए हुए थे यहाँ पर फैमिली गाला को देखने के लिए, यहाँ क्या क्या चीज़ें ओपन हुई हैं। तो काफ़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे कि ये लुलु सर जो ब्रांड है आपको ऑनलाइन ही मिलती है, लेकिन यहाँ पे इनका बहुत बड़ा आउटलेट है, और जल्द ही हम इसकी भी एक वीडियो बनाएंगे। जहाँ तक बात की जाए इस मॉल की, तो मॉल ऑफ मुल्तान के बाद ये मॉल एक अच्छी एडिशन है मुल्तान शहर में। और यहाँ पे आपको लिफ्ट के ज़रिए भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्सेलेटर से जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर फैमिली गाला का फंक्शन स्टार्ट होना था। तो हम चलते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या डेकोरेशंस हुई हुई हैं, और क्या क्या स्टॉल्स लगे हुए हैं। वो तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे, तो मेरे साथ वीडियो में आप लोग रहिएगा। अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं, और ये खूबसूरत सी सेटिंग की हुई थी। लोग यहाँ पर आके अपनी तस्वीरें बना रहे थे, और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी। ये फूलों से सारी सजावट की हुई थी, जो कि ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, और यहाँ पे बच्चों के सेटअप भी लगा हुआ था, और इसके अलावा आपको कपड़े भी मिल रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और जब ये मॉल अभी बन जाएगा तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये बच्चों का ये सेटअप बना हुआ था, यहाँ पे सुपर स्पेस बनेगी। इसके अलावा जो जो नई ब्रांड्स आ रही हैं, उन्होंने अभी अपने सिर्फ स्टॉल्स लगाए हुए थे। जब ये ऊपर शॉप्स बन जाएंगी तो आप लोगों को ये तमाम ब्रांड्स भी यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जिम बन रही थी, और इसके अलावा ये एक बुटीक थी जहाँ पे ब्राइडल कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी, और ये तमाम ब्राइडल कलेक्शन इन लोगों ने डिस्प्ले पर की हुई थी। तो मैंने सोचा इनकी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना ली जाए। ये ब्राइडल कलेक्शन थी, और काफ़ी अच्छी इनकी कलेक्शन थी। आप इसका जो नाम है आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और ये जो ड्रेस है ये 85,000 का था, जो कि ब्राइडल कलेक्शन में से था। काफ़ी अच्छी इनके काम था, और आपको इसमें फॉर्मल वेयर और वेस्टर्न वेयर
और ब्राइडल कलेक्शन ये तमाम मिल जाएगी। अगर आपको भी इनमें से कोई ड्रेस अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं और फूड कोर्ट में देखते हैं कि क्या क्या स्टॉल्स लगे हुए थे। तो स्टॉल्स की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मेकअप स्टॉल देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पे OPTP भी खुलेगा। सबसे पहले ये मेकअप सेटअप आप देखें, ये ब्यूटीफाई बाय आमना का सेटअप था और अप टू 70% पे ऑफ था, तो यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ब्यूटीफाई बाय आमना की चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। इसके अलावा फूड कोर्ट जब यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे KFC भी आएगा। तो यहाँ पे अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे एक पर डे डेकोरेशन का बहुत ही प्यारा सेटअप किया हुआ था जो कि मैं अब आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे तमाम ब्रांड्स के नाम लिखे हुए थे जो यहाँ पे ओपन होंगे। तो ये वाली जो सेटअप है ये गिफ्ट कलेक्शन का सेटअप था और इन लोगों ने एक डिस्प्ले बना के रखा हुआ था कि ये किस तरह से डेकोरेशन करते हैं। तो ये बर्थडे डेकोरेशन की हुई थी और आप इनका फेसबुक पेज भी जाके चेक कर सकते हैं, गिफ्ट कलेक्शन के नाम से इनका पेज है। अब चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं कि खाने पीने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको मोबाइल एक्सेसरीज भी मिल जाएंगी। तो यहाँ चिप्स और गोलगप्पे लगे हुए थे तो मैंने सोचा इनकी जाके प्राइस पूछते हैं और देखते हैं कि कितनी प्राइस में आपको चिप्स और गोलगप्पे मिल रहे हैं। तो चलते हैं। चिप्स की प्राइस पूछने के बाद मैंने सामने देखा तो बिरयानी का स्टॉल भी लगा हुआ था और ये बिरयानी देखने में काफ़ी मज़ेदार लग रही थी, लेकिन इसकी मैंने प्राइस नहीं पूछी। इसके साथ ही मैंगो मिल्क शेक, पॉपकॉर्न और ये मैंगोज़ भी यहाँ से आप ख़रीद सकते थे। यहाँ की सबसे बेहतरीन बात ये थी कि यहाँ पे जो सेटअप इन्होंने किया हुआ था वो सिर्फ फैमिलीज़ के लिए अलाउ था। यहाँ पे कोई इस तरह के बॉयज़ वगैरह नहीं फेर रहे थे, जो फैमिलीज़ थी सिर्फ वही लोग आए हुए थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, बच्चों ने आके इतना इंजॉय किया होगा यहाँ पे, मैं ये बिल्कुल श्योरिटी से कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ पर आए तो हम लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। तो यहाँ पे इसके बाद एक सिंगिंग शो होना था और इसके अलावा मैजिक शो होना था, मेकअप कंपटीशन भी था। तो वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये सेटअप दिखाया है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तमाम ब्रांड्स पे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं और आज की डेट के अवेलेबल हैं। अदर देन दैट जो आपको कार्ड्स मिले हुए वो कार्ड्स आप अपने क्या कहते हैं इसमें लकी ड्रॉ बॉक्स में डालें, उसके ऊपर भी इनाम हैं और उसके जो इनाम हैं वो ये जो डिस्काउंट्स हैं वो आज इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जो इनाम हैं वो पूरे महीने के लिए, वो पूरे महीने भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसका जाफर चीज के इनाम हैं वो पूरा साल के लिए है, म्यूजिक के जो इनाम हैं वो पूरे महीने के लिए, सही नहीं के इनाम हैं वो भी पूरे महीने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोग और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैजिक शो और सिंगिंग देखने को मिलेगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का लाजमी इंतज़ार करें। तब तक के लिए मेरी तरफ से और ये मोटू पतलू की तरफ से अल्लाह हाफिज़। क्या दिल कहा।
हैं।